नमस्ते दोस्तों, मेरी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे वैलेंटाइन डे स्पेशल मिठाई। ये खाने में बहुत टेस्टी है, साथ में एकदम लाजवाब है और हेल्दी भी है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी गुड़ और एक कटोरी तिल लिया है। मैंने यहाँ पर देसी वाला तिल लिया है, आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हो। सबसे पहले कढ़ाई में तिल डाल देंगे और उसको हल्की आंच पे धीरे धीरे करके हमें तिल को सेकना है। तिल को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। जब तिल के अंदर से थोड़ी चटकने की आवाज़ आएगी तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। इस तरीके से आवाज़ आएगी, ये देखिए ये हमारा तिल हो गया है। अभी कढ़ाई के अंदर में गुड़ डालेंगे और गुड़ के अंदर में 4 चम्मच के जितना पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद में हमें वापस से गुड़ को धीरे धीरे करके बस मिक्स करना है। और गैस की आँच है एकदम हल्की रखनी है, गैस की आँच को हमें ज़्यादा नहीं रखना है। तो यहाँ पे हमें गुड़ को अच्छे से पिघला लेना है। बस 2-3 मिनट इस तरीके से करेंगे तो अच्छे से गुड़ हमारा पिघल जाएगा और इसके अंदर से इस तरीके से झाग बनने लगेगी, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा गुड़ पाक बन रहा है। तब तक हमने जो तिल को रोस्ट किया था उसको दरदरा सा पीस लेंगे। तिल को हमें बारीक नहीं पीसना है, बस इसको दरदरा रखना है। तो यहाँ पे हमारा गुड़ पाक बना कि नहीं हम थोड़ा चेक करते हैं। कटोरी के अंदर में पानी लेंगे और उसके अंदर में थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे और गुड़ इस तरीके से नीचे बैठ जाएगा। इसकी इस तरीके से ऐसे गोली बनेगी तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा गुड़ पाक बन गया है। तो गुड़ पाक हमारा रेडी हो गया है। इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से जो ये मिठाई बनेगी ना हमारी एकदम सॉफ्ट बनेगी, मुंह में डालते ही घुल जाएगी, ऐसी इसकी मिठाई बनेगी। वापस से इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि घी हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर अभी हमने जो तिल को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था उसको डाल देंगे इसके अंदर में और तिल डालने के बाद में इसको हमें फटाफट से मिक्स करना है। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, रेसिपी पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, कुछ ना कुछ ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे हमारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। बस इसको 1 मिनट तक इस तरीके से घुमाएंगे तो पूरा ही मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाएगा और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर मैंने बटर पेपर लिया है, बटर पेपर का एक टुकड़ा इस तरीके से कट करेंगे, उसके ऊपर में थोड़ा सा घी डालेंगे और ये हमारा जो तिल और गुड़ का मिश्रण है उसको इस तरीके से ऊपर में डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने एक ग्लास लिया है, ग्लास को इसके ऊपर में धीरे धीरे करके घुमाएंगे तो ये अच्छे से फैल जाएगा। तो दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैंने यहाँ पे एक कुकी कटर लिया है, इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको हार्ट शेप में कट कर देंगे क्योंकि अभी वैलेंटाइन डे चल रहा है। जैसे हम बाहर से महंगी चॉकलेट नहीं ला सकते हैं और चॉकलेट हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं रहती है क्योंकि उसमें बहुत सारा शुगर रहता है, तो हमें ऐसे गुड़ और तिल की मिठाई बना के वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमें खाने का भी बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हमने सारी ही मिठाई इस तरीके से, ये देखिए, बड़े आसान तरीके से निकल गई है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है, खाने में तो एकदम लाजवाब है। दोस्तों, कई लोगों को चॉकलेट पसंद नहीं आती है और चॉकलेट खाना अवॉइड करते हैं, तो आप चॉकलेट की जगह पे ये वाली मिठाई आप बना के वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट कर सकते हो और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हो। और अभी विंटर की सीज़न चल रही है, विंटर की सीज़न में तिल और गुड़ खाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप सभी को ही पता है कि तिल हमारी हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और तिल को हमें हमारी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी मिठाई बनके रेडी हो गई है, ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। आप चाहे तो इसे किसी को गिफ्ट करना है तो गिफ्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत सुंदर है, कोई भी आपको इसे देखकर नहीं बोलेगा कि आपने ये वाली मिठाई घर पर बनाई है। मिठाई की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली में ज़रूर शेयर कर देना। क्या पता आप किसी के घर पर मेहमान बन के जाओ और आपको यही वाली मिठाई खाने के लिए मिले, तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना।
और क्या आज के पहले आपने ऐसे वाली मिठाई खाई थी? खाई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी ने वीडियो पूरी देखी, आप सबको थैंक यू। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।